भारत के इस वीर सपूत को कई लोग देशभक्त मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं। फिर भी देश की आज़ादी के लिए किए गए उनके कार्य को किसी भी तरीके से भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही 1857 की क्रांति को पहली बार भारत की स्वतंत्रता की पहली क्रांति का नाम इन्होंने ही दिया था। आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे श्रृंखला की इस कड़ी में बात वीर सावरकर की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर, 28 मई 1883 को इनका जन्म नासिक जिले में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक जिले में ही पूरी हुई थी। 1897 के आसपास मुंबई के क्षेत्र में प्लेग की महामारी फैल गई थी। उस महामारी को ठीक करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। इस घटना से क्षुब्ध होकर चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश ऑफिसर WC रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी जाती है। इस घटना का वीर सावरकर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और वो अंग्रेजी हुकूमत को टक्कर देने के लिए मित्र मेला का गठन करते हैं, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देता था। उन्होंने अपना BA पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से संपन्न किया और 1904 में फर्ग्यूसन कॉलेज में रहते हुए ही उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की, जो कि युवाओं का एक ऐसा फौज था जो अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी जगह उन्हीं की भाषा में टक्कर देने की क्षमता रखता था। उसी दौरान वो बाल गंगाधर तिलक से भी मिले और उनसे कई अनमोल जानकारियां उनको प्राप्त हुईं। 1905 में जब बंगाल विभाजन की बात लॉर्ड कर्जन ने की, तो इस घटना का प्रभाव पूरे भारत में देखा गया। खासकर लाल बाल पाल और अरविंदो घोष इस पूरे बंगाल विभाजन का विरोध खुले तौर से किया। उसी दौरान वीर सावरकर ने भी विदेशी वस्त्रों की होली पूरे भारत में सबसे पहले जलाई, और जो बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने भी उसे अपने सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण हथियार माना। 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वीर सावरकर को स्कॉलरशिप प्रदान की और उनसे कहा कि आप लंदन आ जाइए और यहीं से अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई को पूरा करिए। 1906 में वो लंदन चले जाते हैं और इंडिया हाउस में रहने लगते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा और मदन लाल धींगरा जैसे क्रांतिकारियों से होती है। 1909 में उनके परम मित्र और अभिनव भारत के सदस्य मदन लाल धींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी और इस घटना में अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरीके से वीर सावरकर के हाथ होने का भी अंदेशा लगा था। उसी साल उन्होंने लॉ की डिग्री भी कंप्लीट की, लेकिन भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस भारत पर ब्रिटिश हुकूमत आधिपत्य कर रहा है, उसके सम्मान में मैं शपथ नहीं लूँगा। जब अंग्रेजी हुकूमत ने वीर सावरकर के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, तब वो पेरिस चले जाते हैं, जहाँ पर वह लाला हरदयाल और श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ रहते हैं। 1910 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर ट्रायल चलाया जाता है। ट्रायल के बाद उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जो अपने आप में एक अनूठा फैसला था। आज तक किसी को भी 2 आजीवन कारावास की सजा नहीं सुनाई गई थी। उन्हें 50 सालों के लिए अंडमान के सेलर जेल भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती हैं। 1920 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू वीर सावरकर की सजा का विरोध करते हैं और उन्हें रिहा करने की गुजारिश करते हैं। साथ ही वीर सावरकर ने भी कई दया याचिकाएं इसके लिए भेजी। 1920 के बाद उन्हें रत्नागिरी जेल भेज दिया जाता है, जहां पर रहते हुए उन्होंने हिंदुत्व के विषय में लिखना प्रारंभ किया और वहां से निकलने के बाद हिंदू धर्म में व्याप्त तरह तरह की कुरीतियों को खत्म करने का भी प्रयास किया। बाद में वो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाए गए हिंदू महासभा के सदस्य भी बने और उसके अध्यक्ष भी बने। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत के तिरंगे में एक धर्म चक्र भी होना चाहिए, जिसे राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार कर लिया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है।
इस हत्याकांड में वीर सावरकर का भी नाम आता है, लेकिन वो निर्दोष साबित होते हैं। 1 फरवरी 1966 को भारत का यह वीर सपूत अन्न जल त्याग देता है और एक संत की तरह 26 फरवरी 1966 को देह त्याग कर देता है। भारत का यह वीर सपूत कई तरह के विवादों में घिरा रहा, लेकिन भारत माँ के लिए उनके द्वारा की गई सच्ची साधना को कोई भी भुला नहीं सकता। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अनमोल रत्न हैं जिन्हें हमें सम्मान देना चाहिए और उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।